नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो पे फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे वीडियो का थंबल तो देख ही लिया होगा, दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन के D5600 85mm लेंस के साथ फोटोग्राफी करके बताएंगे। देखते हैं दोस्तों निकॉन के D5600 85mm लेंस के साथ कैसी फ़ोटो आती है दोस्तों, और देखेंगे कि कैसी कैसी फ़ोटो आती है अलग अलग सेटिंग्स में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और फोटोग्राफी से जुड़े नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आउटडोर लोकेशन में। दोस्तों हम लोकेशन पर आ चुके हैं, और जैसा कि दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9 बजे हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा छाँव भी नहीं है। तो अब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे छोटे भाई आ चुके हैं जिनकी हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने कैमरे में सेटिंग्स कर ली है, हमने अपना जो कैमरे का ISO है वो हमने 100 रखा है, अपर्चर दोस्तों हमने इसका 3.5 रखा है, और यहाँ पे हमारे शटर स्पीड है बहुत 200 पे है। तो अब हम दोस्तों फ़ोटो क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसा कि 85mm लेंस में जूम का कोई सिस्टम नहीं होता दोस्तों, ये फिक्स लेंस होता है। अब हम दोस्तों फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखते हैं दोस्तों इस सेटिंग्स में कैसी फ़ोटो आती है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की फ़ोटो आई है। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और शार्प फ़ोटो आई है ये भी। सो दोस्तों जैसा कि आपको अगर सेटिंग्स करनी नहीं आती हैं, तो दोस्तों हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं निकॉन D5600 और भी कैमरे के साथ। तो दोस्तों आई बटन में मैंने निकॉन D5600 मैनुअल मोड सेटिंग्स का फुल वीडियो बनाया था, तो मैंने उसे आई बटन में लगा दिया है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। उससे मैं देख सकते हैं कैसे ISO, अपर्चर, शटर स्पीड, पिक्चर कंट्रोल, वाइट बैलेंस वगैरह कैसे सेट करते हैं। अब हम दोस्तों दूसरी फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों हमने ISO 100 ही रखा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग लगभग धूप में ही फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा बढ़ाएंगे ISO तो इसमें फ़ोटो में लाइट ज़्यादा आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ISO 100 रखा है। अब दोस्तों हम इसका थोड़ा अपर्चर और ओपन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों पहली फ़ोटो में थोड़ी कम ब्लर आया था, अब हम जैसा और अपर्चर ओपन करेंगे तो हमारी फ़ोटो में जो ब्लर है वो और ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटो का जो अपर्चर है वो हमने 2.8 कर दिया है, और अब हम दोस्तों फिर से फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखेंगे कैसी फ़ोटो आती है। यहाँ पे शटर स्पीड दोस्तों हमने 200 ही रखा है। अब दोस्तों इस सेटिंग्स पे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, सामने देखें। सो दोस्तों हमने इस सेटिंग्स पे फ़ोटो क्लिक की, ये भी दोस्तों कुछ हद तक सही है, इसमें भी लाइट दोस्तों परफेक्ट आ रही है, ब्लर भी बैकग्राउंड अच्छा खासा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी दो सेटिंग्स कर ली हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों इसका फुल अपर्चर ओपन करते हैं। इसका अपर्चर फुल 1.8 है, तो हम इसका फुल अपर्चर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम अपर्चर फुल ओपन करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट आएगी, बहुत ज़्यादा लाइट आएगी, तो हमें यहाँ पे शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ISO हमें ज्यों का त्यों 100 ही रखना है। अब हम दोस्तों इसका अपर्चर ओपन कर लेते हैं F1.8, तो हमने यहाँ पे इसका अपर्चर फुल ओपन कर दिया। अब दोस्तों फिर से फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखेंगे कितनी ज़्यादा ब्लर आती है फ़ोटो, कितनी शार्प आती है, बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर होता है। थोड़ा और इस तरफ आ जाएं। सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट आई है हमारी फ़ोटो में। हमें दोस्तों इसकी शटर स्पीड है उसे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे शटर स्पीड अभी हमने 200 रखा था, तो हमें इसे बढ़ा के कम 800 या 1000 कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और जो हमारा भाई है इसके ऊपर थोड़ी कम लाइट है, बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट है। तो यहाँ पे हमने शटर स्पीड बढ़ा दिया है। अब दोस्तों फ़ोटो फिर से क्लिक करेंगे, थोड़ी और यहाँ पे आ जाए। हाँ दोस्तों देखें किस तरह की फ़ोटो आती है। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा लाइट कम आ रही है। अब हम थोड़ी और इसमें से शटर स्पीड
घटा लेते हैं हमने दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे 1000 कर दिया था शटर स्पीड, तो हम यहाँ पे इसे घटा के 640 कर देते हैं। अपर्चर 1.8 और ISO 100 ही रखने देते हैं। अब हम दोस्तों एक बार और फ़ोटो क्लिक करेंगे, देखते हैं कि परफेक्ट लाइट आती है फ़ोटो में कि नहीं आती। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोटो में एकदम परफेक्ट लाइट आई है और बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा ब्लर हुआ है। और दोस्तों जैसा कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो जो हमारा मॉडल होता है उसका जो बैकग्राउंड है वो 10-20 फीट दूर होना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा या फिर ब्लर होगा। सो दोस्तों अभी हमने ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट लिए थे, अब कुछ दोस्तों हम इसके लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। यहाँ पे सेटिंग दोस्तों ज्यों कहते हैं हमारा शटर स्पीड है 640 है, अपर्चर 1.8 है और ISO भी हमने दोस्तों 100 रखा है। तो अब हम दोस्तों लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आई है। दोस्तों इसका जो मैंने फोकस है वो हमने ऑटो पे ही रखा है और सेट पिक्चर कंट्रोल है जो हमने दोस्तों स्टैंडर्ड ही रखा है और वाइट बैलेंस है जो वो भी हमने ऑटो पे ही रखा है। तो दोस्तों इस सेटिंग्स पे इस तरह की फ़ोटो आई है। दोस्तों एक दो फ़ोटो और क्लिक करते हैं, थोड़ी दोस्तों हम इसमें सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने शटर स्पीड 400 कर दिया है, अपर्चर f/2.2 कर दिया है, ISO दोस्तों 100 ही रहने देते हैं। अब दोस्तों हम फोटो क्लिक करते हैं एक बार फिर से। सो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर बहुत ही शार्प फोटो आई है 85mm लेंस के साथ, निकॉन के D5600 मॉडल के साथ। सो दोस्तों ये थी फोटोग्राफी निकॉन D5600 विथ 85mm लेंस के साथ। दोस्तों यहाँ पे जब ये दोनों का कॉम्बो बनता है तो दोस्तों बहुत ही मस्त फ़ोटो आती है। दोस्तों निकॉन के D5600 के साथ एक अच्छी बात ये भी है कि दोस्तों इसमें हमें टच स्क्रीन मिल जाती है, तो दोस्तों हमें जहाँ भी इसे फोकस करना होता है हमें सिर्फ वहीं पे क्लिक करना होता है तो हमारी जो फ़ोटो है वो फोकस हो के परफेक्ट क्लिक हो जाती है। दोस्तों अगर आप निकॉन का D5600 कैमरा यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक 85mm लेंस और लेना चाहिए। जब इनका दोस्तों कॉम्बो बनता है तो परफेक्ट फ़ोटो आती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से जुड़े नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमारे चैनल पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से जुड़े नए नए वीडियो आते ही रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।